करनी होगी पढ़ाई। अंधेरा दूर चला जाएगा, उजाला पास तेरे आएगा। अंधेरा दूर चला जाएगा, उजाला पास तेरे आएगा। साहिबान मेहरबान कादर खान। चमूरे कादर खान नहीं, कदरदान। सूरे उस्ताद तो साहिबान मेहरबान कदरदान। देखिए कि नाक के एक छेद में सुतली डालकर दूसरे छेद से कैसे निकाली जाती है। और सुतली पूरे 3 इंच मोटी होगी तो फिर नाक भी उस्ताद की होगी। इससे तो मेरी नाक फूल के खतरनाक हो जाएगी। दूसरा खेल उस्ताद। क्यों चमूरे? क्योंकि आज मेरी नाक जरा बंद है। दूसरा खेल दिखा चमूरे, जिससे हम दोनों की नाक बची रहे। साहिबान ये बोतल देखिए। चमूरे इस बोतल को लेकर तू रोज खाली करता है। बिल्कुल सही पहचाना उस्ताद, मैं जनता के सामने आपको इस बोतल में बंद कर दूंगा और निकाल के भी दिखाएगा। अवश्य उस्ताद अवश्य। कैसे? सिंपल, वेरी सिंपल। बोतल तोड़ दूंगा, आप कपड़ा झाड़ते खड़े हो जाना। लेकिन जमूरे जब तक मैं इस बोतल में बंद रहूंगा मुझे अपनी नाक बंद करनी पड़ेगी। बात फिर नाक पे आ गई। तो नाक से थोड़ा ऊपर या नीचे का खेल दिखा। उस्ताद मैं अपने सर पे अखरोट और अखरोट पे पानी का गिलास रख के 3 किलोमीटर तक पैदल चल सकता हूँ। लेकिन जमूरे ये खेल तो मैंने तुझे सिखाया ही नहीं। सब गंद का कमाल है उस्ताद, जनता को धोखा देगा। क्या करूँ, अभी अभी इसी गांव में ऐसा ही एक किस्सा सुन के आ रहा हूँ। ऐसा किस्सा जमूरे? बताता हूँ उस्ताद, आपको भी और जनता को भी। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, पल प्यार की पली चिट्ठी साजन को दे आ। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा। चल जल्दी दे, जल्दी चल, हटा 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 हटा। 3 1 2 3। मैं झेका कर रहा हूँ, 4 घर बढ़ रहा है तू तो। 3 ही घर बढ़ा हूँ, जहाँ रखी थी मेरी गोटी। जहाँ रखी थी तेरी गोटी, तेरी जान कसम जहाँ रखी थी जहाँ पे। और हमें वो हवा तेरे घर पीछे खसक गई होगी। और हमें भाई तू बड़ी बेईमानी कर रहा है, चोरी करके तू जीत जाओगा के? अच्छा, अब वैसे भी तेरी 3 गोटियाँ अंदर धरी हुई है। चल चल चल। हाँ यार बेईमानी करे जा रहा जब से देखू मैं। कबूतर जा, 1 2 3 ये गई गोटी, ये तेरी गई अंदर वापस तेरे घर में। ले ओए अनिल, आ रहा हूँ अनिल, अब कल खेलेंगे। अनिल अनिल भाई, अनिल भाई मैं भी चल रहा तेरे साथ, मैं भी चल रहा, रुक जा, मैं भी चल रहा तेरे साथ। पर एक शर्त है। का? चलाना तुझे पड़ेगा। चलाना पड़ेगा, जल्दी बोल। अनिल भाई मेरी मसल पुल हो गई है, परसों के मैच में तेंदुलकर की तरह छक्का ना मारा हमने। पर आज माँ साहब ने पढ़ा पढ़ा के थका दिया हमें। चल फिर दोनों पैदल चलेंगे। तब फिर चल चल। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। बोल। एक बात बता। पूछ। तू घर से तो स्कूल के लिए निकला करे। हाँ? पर स्कूल ना आता। अपुन जरा खुली फिजा में सांस लेने के आदि हैं। पर आज माँ साहब ने जरूरी प्रश्न लिखवाए थे। यहाँ पास ही किसे होना है जो जरूरी प्रश्न लिखता फिरेगा। तेरे घर वाले तुझसे ना पूछा करे हैं कि आज स्कूल में क्या पढ़ के आए हुए? देख अम्मा और बाबूजी ठहरे काला अक्षर भैंस बराबर। हाँ पर अम्मा जरूर पूछा करे, बेटा रमेश बता आज कहाँ पढ़ के आए हुए? चल तू का कहे। फिर हम अपनी खास तरीक से समझा दिया करें। अम्मा आज ना मार साहब ने लिखा लिखा के हाथ का कचूमर बना दिया, हाथ पे नमक तेल मल दे। और अम्मा मल दे है। का मतलब? मतलब जैसे परसों माने पूछी, बेटा रमेश। अरे रमेश आगो बेटा,
स्कूल में ठीक से पढ़ाई करी तैने? हाँ अम्मा, आज मार्ट साहब ने कबीर दास जी के दोहे लिखवाए। अच्छा, दिखाऊं? हाँ हाँ दिखा। ये देखो। अरे ये तो कबीर दास जी के दोहे से ही लग रहे। हाँ अम्मा, का लिखाई तेरे मार्ट साहब ने? मोई पढ़ के सुना, जे 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 वाला दोहा पढ़ के सुना। मोई जे पढ़ के सुना? हाँ, हाँ, जे वाला दोहा अम्मा पढ़ के सुना। हाँ, हाँ, सुना सुना साबस साबस। जे वाला अम्मा, जे वाला जे जे। अच्छा जे है अम्मा जे। हाँ, गुरु गोविंदा दो खड़े काके लागू पाए। अम्मा गोविंदा नहीं, गोविंदा नहीं, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंदा दियो बत। गोविंदा नहीं अम्मा, गोविंद दियो बताए। साबस साबस, धन है तेरो मां साहब, साबस। देखा कानों को कितना भला लगे हैं। एक और सुना, तूने कापी काय बंद कर दी। और सुना मोए, और सुना तेरे मां साहब ने कहा लिखाई। अब जे 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 वाला सुना। जे अम्मा, जे वाला जे। अच्छा अभी लो। हाँ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। ई का मत बलका हुआ रमेश। अम्मा ई का मतलब है कि कल का आज का कोई काम कल में मत डालो। बस देखो, पढ़ाई करने से कितनी अच्छी सीख मिला करे। और का अम्मा, जब भी तो मार्ट साहब जो काम कराए हम तुरंत तुरंत कर लिया करें वहीं स्कूल में ही। ये संतोष और अनिल के तरह कल पे ना छोड़ा करें। साबा तू नालायक लड़कों की संगता करा करे। अच्छा जे बता, तुझे मीरा जी के दोहे भी आवे हैं? अम्मा मीरा जी, मोए मीरा जी, लता जी, आशा जी, कबीर दास, तुलसी दास, रफी दास, मुकेश दास और कुमार सानू दास, सोनू निगम दास, सारे दासों के दोहे याद। अरे साबास साबास, कितना पढ़ाई करे है मेरा बच्चा। तेरे लिए मैंने बादाम वाला दूध बना के रखा है। अम्मा बादाम वाला दूध। जे बता, तेरे को तुलसीदास जी का भी कोई दोहा आवे? हाँ अम्मा लो। मैं तुलसी तेरे आंगन की। अम्मा सूरदास का भी सुन लो, लेकिन दूध पक्का। अम्मा, मिले सूर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा। अरे साबास साबास मेरा बच्चा। अम्मा दूध। हाँ हाँ लाई, ज्यादा बादाम डाल के लाऊंगी। कितनी मेहनत करनी पड़े मेरे बच्चे को। साबास बेटा साबास, ऐसे ही मेहनत करियो साबास। अनपढ़ माँ बाप भी भगवान का वरदान है। तब तो तू अपनी अम्मा को एक ही पन्ना रोज रोज खोल के दिखा दिया करता होगा। तू बावड़ा तो ना है? अम्मा पढ़ी लिखी ना है, पर तेरी तरह बावड़ी भी ना है। मैं कछु समझा नहीं तो मैं समझा देता हूँ मेरी जान। अब जैसे परसों की तरह माँ ने कल भी पूछी। अब इतना ध्यान लगा के कहाँ पढ़ रो रमेश? माँ जी कोरस की किताब है। अब पहले तू खाना खा ले। अरे माँ पढ़ने थे, परीक्षा करीब आ गए है। अरे क्या 11 दर्जे में इतनी मोटी किताब पढ़नी पड़े? और का अम्मा, ये पूरी की पूरी रटनी पड़ेगी जब जाके पास हो पाऊंगा। अब ऐसी भी कहा पढ़ाई कि ठीक से खाना भी ना खा पा रहा है। चल खा ले पहले खाना। तुम्हें पता भी है कुछ? ये पूरे भारत का इतिहास है। भारत का? तू अभी का पढ़ रहा है? ये हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी? ये कौन सा युद्ध हुआ हल्दी घाटी? अम्मा जी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। हाँ याद आयो, ये तो मैंने भी बचपन में अपनी दादी से कहानी सुनी थी। राणा प्रताप जी ने भूखे प्यासे रह के अकबर से लड़ाई लड़ी थी। देख ली अम्मा, महाराणा प्रताप ने भूखे प्यासे रह के अकबर से लड़ाई लड़ी। और एक मैं हूँ, बिना खाना खाए किताब भी नहीं पढ़ सकता। अरे नाना बेटा नाना, मैं तो ये कह रही थी पहले तू खाना खा लेता फिर आराम से पढ़ता। सही कह रही है अम्मा, सही कह रही है। अगर ये महाराणा प्रताप की अम्मा भी तेरे जैसी होती ना तो वो भी यही कहती, बेटा प्रताप पहले खाना खा फिर 2 घंटे के लिए सो जा और धूप उतर जाने के बाद फिर ठंडे ठंडे में अकबर से लड़िए। ए बदमाश, माँ से शरारत करे। तू माँ से शरारत करे। चल खा इसको, पहले छोड़ उसको, चल पहले खाना खा बाद में पढ़े। चल लड़का शैतान, मोहन नादान, ऐसा कभी होता है? ये तो बड़ा धोखा है लड़का का फेल, जैसे तेरा खेल। माँ अगर पढ़ी लिखी होती तो आज जिसके हाथ में छड़ी होती, नाम पे वो कबीर दास के, गाने गाता ना पंकज दास के, चालाकी यूं ना सरेआम करता, इतिहास छोड़ उपन्यास पढ़ता। वो जो रमेश है ना,
हाँ है तो? जानते हैं वो क्या करता है? करता होगा कुछ, मुझे ड्राइंग बनाने दे। सुन तो, थोड़ा थमके बना लियो ना। चल बता। अब वो जो है ना, वो ताई को गाने गुने लिख के दिखा दे वे, और कहे स्कूल में आज यही पढ़ाएगो वे। अच्छा, बहुत चालाक है। अच्छा हुआ मैं तुझसे ज्यादा पढ़ी, वरना तू भी अम्मा बापू को ऐसे उल्लू बना रहा होता। अब मेरा जे मतलब ना है। अरे मैं तो सोच रहा कि ताई को सब कुछ साफ साफ बता दूं। वहां से कुछ ना होगा, ऊपर से रमेश से दुश्मनी अलग मोल लेगो। पर ताई ताऊ को सच की तो पता चल जाएगी, और जब ताऊ है ना वहां के दो लाठी धरेंगे, खुदा ही पढ़ने लगेगो। देख अनिल, मार पिटाई से कुछ ना हो तो दो दिन बाद से वो फिर से पन्ने काले करके दिखाने लगेगा, क्या फायदा? ठीक कह रही है तू, चल छोड़ हमें का। मेरे दिमाग में एक बात आ रही। बोल दीदी। क्यों ना हम गांव के बड़े बूढ़ों को पढ़ने के लिए उकसाएं? पर मुझे ना लगता कि वो पढ़ वढ़ के कुछ कर पाएंगे। पर कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है? ठीक है, जब तू कह रही है कोशिश करने के लिए तो ठीक है, तू औरतन को पढ़ा और मैं मर्दन को। ठीक है चल। कह कह गए सीखने से आदमी सिर्फ कह कह गए नहीं सीखता, अच्छा बुरा सीखता। चल मान लिया तेरी बात सही है, लेकिन अच्छा बुरा तो भगत भी सिखा दे उमे का। अरे तू उन्हें छोड़, मैं पढ़ूंगी, तू मुझे पढ़ा ना। अम्मा और ताई भी अगर पढ़े तो कुछ बुरा ना है। अम्मा एक बात बता, तू अनिल को क्या बनाना चाहती है, और ताई तू रमेश को क्या बनाना चाहती है? अरे पढ़ लिख के कहीं कंडक्टर वंडक्टर बन जाए और का। अनिल का बापू कहे है कि हम उसे परचून की दुकान खुलवा देंगे, सो खुलवा देंगे। देखो अभी अनिल और रमेश एक दो साल तो और पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अगर आप दोनों भी दो साल में कुछ पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हारी समझ में जरूर आ जाएगी कि तुम्हें अपने लड़कों को बड़े बड़े अफसर बनाना है। तू तो कछु ठीक कह तो ठीक रही। चल रही सामा, एक समझौता कर ले। वो का? हम दोनों अनीता से 6 महीना पढ़ेंगे, अगर उस पढ़ाई का फायदो हमारे अनिल और रमेश की पढ़ाई को पहुंचोगे तब तो हम जारी रखेंगे, वरना हम यू कह देंगे कि हमारी मास्टराइन हमें पढ़ाने में फेल हो गई। तो सुनो बात, 6 महीने बाद की बात तो पलट गया सच, 3 महीने बाद ही। आहा, इसको पढ़ेंगे आज, किसको पढ़ेंगे? अरे रमेश कुमार, कितना अच्छा नाम लिख रहा मेरा छोरा। अम्मा देख, अम्मा देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। का? अम्मा देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। अरे ये तो सनीमा का गाना, परसों मंगल के छोरा की शादी में बज रहो, बड़े छोरा लोग डांस कर रहे हैं इसके ऊपर। अरे 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 दिल धक धक करने लगा, मोरा जियरा डरने लगा। अरे फिर सनीमा का गाना, दिल धक धक करने लगा मोरा जियरा। अरे जे फिल्म तो मैंने सतपती के घर में पिछला महीना देखी टीवी पे, माधुरी दीक्षित डांस कर करके कह रही थी दिल धक धक करने लगा। हाय राम जे का, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा। हे राम, जे ससुरो तो जो रहो सो नाम है, बाप को भी बदनाम करने पर तुलो। अब समझ में आयो ये धक धक जे फक बक, जाको भूगोल और इतिहास है। मोए कहे माँ दे कबीर दास जी के दोहे, मीरा जी के दोहे, अब बताऊ मैं तेरे को किसके दोहे, आन दो घर वाह को और वाह के बापू को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अजड़ा तेरा करूं गिन 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 इंतजार, आजा पिया आई बार। क्या कर रहा है? चल 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 ले, चार देख ले चार। चल कोई बात नहीं, 1, 2, 3, 4 कर गया बेटा तू। चल एक बजी और खेल ले चल। ओ ना रमेश बहुत देर हो गई, अब घर चले। अरे तू चिंता क्यों करे, तू घर पे तो बोल के ही आया कि मार साहब के पास एक्स्ट्रा क्लास करने जा रहा हूँ। बहुत सही, मैं चल फिर एक बाजी और हो जाए लगा। अब ऐसे रमेश
मैं हर बात उसे हार जाऊं यार। अब जब चौसर के तेंदुलकर के साथ खेलेगा तो यही तो होगा। तू मेरे साथ साथ आसमां से आगे चल चल, तुझे पुकारता है तेरा आने वाला कल। नई है मंजिले, नए है रास्ते, नया नया सफर है तेरे वास्ते। नई नई देखो सपूत का गुल खिला रहा है। देखो रहो, क्या कर रहे हो? मैं तो कुछ लिख रहा था। हाँ तो कहा लिखन लाग रहा? अरे तू भी अंधे को आईना दिखाने लाग रही है। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ अनिल से दो चार अक्षर पढ़ लो, और लोग भी तो पढ़े तुम्हारे जैसे के ना। कल को रमेश राशन कार्ड ला के तुम्हारे सामने धर देगो, जे लो बापू मेरा रिजल्ट कार्ड, और तुम भोंदू की तरह मान लोगे उसकी बात। अरे हुआ क्या यू तो बताना। जे देखो अपने सपूत के कारनामे देखो, ससुरो स्कूल की कापी में सनीमा के गाने लिखो है। अच्छा जी। हाँ मोए कहे है माँ, जे देख ए भूगोल, जे इतिहास, जे स्वतंत्रता संग्राम, हजारों लोगों ने बलिदान दियो। अरे बलि तो मैं चढ़ाऊंगा, बाकी जा डंडे से बाको बाप। रहन दियो मारपीट से कछु ना होने को, मैं देख लूंगी। लेकिन जे बताओ अपने बच्चों का भला बुरा सोचने लायक हम दोनों को होना चाहिए कि ना? हाँ यो बात तो तू सही कह रही भाई। अरे ऐसा करियो तू अनिल के हाथ संदेशा भिजवा दे कि कल शाम से मैं भी पढ़ने जाऊंगा। कल शाम से क्यों, आज शाम तुम्हारे मेहंदी लग रही का? तो ये ले आज शाम से ही चले जाएंगे। हाँ। हो गई तेरी कस्टरा क्लास? हाँ माँ, आज मार साहब ने पूरे 2 घंटा पढ़ाई कराई। अच्छा, प्रेमचंद की जीवनी, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के कारण, और हाँ ज्वार भाटा कैसे आता है। ज्वार भाटा तो आप आएगा ससुरों, देखता जा। जी अम्मा, जी मेरी कापी यहाँ कैसे पड़ी? अरे कुछ ना बेटा, मैं इसको खोल के देख रही थी, जा में तो बड़ी सुंदर सुंदर कविता लिख रखी। फिर भी अम्मा जरा ध्यान से रखा करो, जे कभी उड़ उड़ा के चूल्हे में चली गई और जल गई तो समझ लो हमारा भविष्य भी जल गयो। अरे ना ना, तेरी इतनी मेहनत की पढ़ाई को मैं ऐसे ही थोड़े जलने दूंगी। अच्छा चल अब तू मोहित जे कविता सुना, ये तेरे मां साहब ने लिखवाई ना? हाँ मैं जे मां साहब जे 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 सुना जे वाली सुनो। ये है हाँ, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिखर रही थी नभ अंबर और तल में। शाबाश 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 शाबाश। और सुना आगे सुना। जे जे जे, जे सुना मुझे। ये वाली भी सुन लो। ये वाली शाबाश शाबाश, सुना 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 शाबाश। जे वाली नहीं, जे वाली जे सुना, तेरे मास्टर ने लिखवाई ना? हाँ मास्टर ने लिखवाई। सुना जे हाँ, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अम्मा अम्मा जे वाली भी सुना दे, जे वाली जे भी सुना दे, जे भी सुना दे। जे 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 है धी पूत जमाई पोता क्या बंजारन पास ना आएगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलाएगा बंजारा। कहा कहीं के झूठे पत्ते? जे बताओ मोए, जे जे अम्मा दे झांसी वाली रानी कैसे हो गो है, और जे दिल धक धक करने लगो मैं चारू चंद्र कहाँ से आ गया है, अब पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगो मैं, ये धीपू जमाई कैसे आ गया दे? जे अम्मा जे कहाँ कर रहे हो तुम? जे शर्म चुका है, शर्म ना आए अपने अनपढ़ माँ बाप को बेवकूफ बनाते हुए, तुझे इसीलिए पढ़ने के लिए भेजा करे। अब समझ में आई अम्मा, जे अनिल ने तुम्हें भड़काया होगा मेरे खिलाफ, मुझसे पढ़ाई में कमजोर है ना इसलिए। झूठ बोलते शर्म ना आई? जे देख मैं बताऊं तो है, जे देख पा आ पा आ पापा कहता ए कहते हैं बड़ा आ बड़ा नाम कर गो हाँ, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा हैं। अब बता हैं, तू सोच रहे होगा कि मैं अनपढ़ गवार काला अक्षर भैंस बराबर ये सब कहां से सीख गई है ना? अम्मा मुझे माफ कर दे, अब मैं तुम्हें और बापू को कभी बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। देख रमेश, जो तुम इसलिए कर रहे हो ना कि हमारे अनपढ़ होने का फायदा उठा के तू भी अनपढ़ रह जाए, हम तेरी स्कूल की फीस भर दे और जे सोचे कि तू पढ़ रहे है, तेरी कापी किताब कलम दवात का पैसा खर्च कर दे,
और जे सोचे कि छोरा पढ़ाई में दिल लगा रहा है, अपना पेट काट काट के तेरे को घड़ी और साइकिल ले दे, और जे सोचे कि तेरी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए है, और तेरे को घर द्वार खेती बाड़ी के काम में ना लगावे कि तेरे को पढ़ाई के लिए समय मिल सके, है ना, इसीलिए कर रहा है ना तू। अम्मा माफ कर दे, अब मत बोल अम्मा, मैं शर्म से मर जाऊंगा। ना ना तू शर्म मत कर, अपने बारे में सोच, अगर तू पढ़ लिख जागो तो अपना ही कल सुधारोगो, अपने बच्चों का भविष्य बनाओगे। अगर हम अनपढ़ मूर्ख लोग दो अक्षर पढ़ के को अफसर बनाने के बारे में सोच सके हैं, तो तू 10 अक्षर पढ़ के अपने बच्चों को आला से आला अफसर बनाने के बारे में सोच सके हैं। अम्मा, अम्मा तेरे 2 अक्षरों ने आज जो मुझे पढ़ाया वो तो मैं कभी भी ना पढ़ सका अम्मा। चल चुप कर दा, हाथ मुंह धो के खाना खा ले, चल बुड्ढा। अम्मा एक बात पूछूं? पूछ। तुमने पढ़ना लिखना कब सीख लिया? अनीता से सीखा बेटा। अनीता? हाँ, जब तू इकस्ट्रा क्लास के लिए जावे था तो पीछे से मैं भी पढ़ने चली जाती थी। हाँ बेटा, अनीता ने हम जैसी औरतों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया है ताकि हम लोग पढ़ लिख के अपने बच्चों का भला बुरा सोच सके। जम्मू रे, चौसर के तेंदुलकर का क्या हुआ? चौसर का तेंदुलकर सुधर गया। जैसे फिल्म छोड़ इल्म सीखने लगा। वेरी गुड, और कुछ? पहले प्यार की जीत, सुंदरी का इंतकाम और शरीफ बदमाश पड़ता था। वेरी बैड, और कुछ? बाद में सब छोड़ हिंदी अंग्रेजी समाज शास्त्र और इतिहास पढ़ता था। क्या हुआ लूडो का? चौसर किधर गया? चौसर का भूत बहुत जल्द उतर गया। रात भर जगतो रहा? हाँ अम्मा। वो किस लिए? अम्मा परीक्षा जो आ गई है। परीक्षा तो अगली गर्मी में आ गई। अम्मा मैं एनडीए की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। एंड जे का होवे? फौज में भर्ती होने की परीक्षा। फौज में? तूने हमें क्यों ना पहले बताई? अम्मा तू हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहती थी, हमने सोची कि अगर तेरे से फौज में भर्ती होने की बात करी तो तुझे अफसोस होएगा। ना छोरा ना, तू गलत समझ रहा है। अब तो हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि तू अपने लिए हमसे अच्छी समझ से राह चुन सके हैं। अच्छा जे बता, जे परीक्षा पास करके तू का बनेगा? अम्मा जे परीक्षा पास करके मैं फौज का सबसे बड़ा ऑफिसर बन जाऊंगा। एक बात बता। का? वो रमेश कह रहा था कि वो फौज में भर्ती हो गएगा। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा हूँ। क्या और कहा? 12वीं पास करते ही पढ़ाई को भूत उतर गो? ना जी ना, वो कहा कहवे एनडीए यानी के फौजी स्कूल, वहां में जाके रमेश पढ़ाई भी करोगो और साथ साथ फौज की ट्रेनिंग भी लोगो। हाँ फायदा क्या? क्यों पढ़ लिख के बनेगा तो वही सूबेदार के लेंस नहीं और क्या? अजी रहन दो, मैंने सब पता कर लिए, वहां से पढ़ाई करके रमेश फौजी अफसर बनेगा, फौजी अफसर। हाँ वो रामपुर वाला नकुल है ना, उसकी तरह सूबेदार बन के रह जाएगा। अजी रहन दो, ऐसे सूबेदार वार तो हजारों हमारे रमेश के नीचे काम करेंगे, ऐसे करके सलामी देंगे, लफट राइट करेंगे और ना जाने काका। रमेश ने किया टेस्ट में टॉप, ऑल इंडिया फर्स्ट पोजीशन। उस्ताद उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। ये तो हो गया। अम्मा देख तेरा मुंडा सुधरा जाए। अम्मा देख, अम्मा देख, अम्मा देख वाला हाल। पापा कहते
देखो ये पढ़ो। अरे का खबर लाया छोरा, तू ही पढ़ के सुना देना। अब तो तुम दोनों भी पढ़े लिखे हो, खुद ही पढ़ लो। लो पढ़ के सुनाओ जी। अरे तू मुझसे ज्यादा पढ़ी, तू ही पढ़। अरे कहाँ जा रहा छोरा? आप पढ़ो, मैं आया। का खबर लाया? हाँ पढ़ियो जरा। पूरे भारत में मेरे एनडीए में प्रथम आने का सारा श्रेय मेरी पूजनीय माता को जाता है, रमेश कुमार। पूरे भारत में मेरे एनडीए में प्रथम आने का सारा श्रेय मेरी पूजनीय माता को जाता है, रमेश कुमार। सही, 100% सही। जाऊं रे माँ की शिक्षा रंग लाई, लड़का सवर गया। तब की आग में मेहनत की, सोना निखर गया। इसीलिए तो कहते हैं माँ अगर पढ़ी लिखी होगी, गौर शिक्षा की हरी भरी होगी। इसी के साथ कहानी खत्म करते हैं। अस्ताद जनता से लेते हैं विद्या। जमूरे विद्या नहीं, विदा अलविदा।